स्वागत है बच्चों मेरे नए वीडियो में, जो कि है केंद्रीय विद्यालय रानीखेत की सैर पार्ट टू। तो देखिए, हम पहुंच चुके हैं केंद्रीय विद्यालय रानीखेत और अब हम जा रहे हैं गेट के अंदर। तो देखते हैं आज हम क्या क्या देख पाते हैं। हमने पार्ट वन में देखा था प्राइमरी सेक्शन का विजिट, जो कि राइट साइड जाने पर हमने देखा था। आज हम जाएंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है। यहाँ पर है हमारा मेन असेंबली ग्राउंड। उसके पहले यहाँ पर देखिए नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर कई तरह के नोटिस और इंफॉर्मेशंस लगी रहती हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर अगर हम नज़र घुमाएं लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर कई सारे कोड ऑफ कंडक्ट लिखे हुए हैं, जो कि स्टूडेंट्स को फॉलो करने होते हैं। और यहाँ पर सेफ्टी पॉइंट से रखे हुए हैं फायर बुझाने के लिए बकेट्स, है ना, इसमें सैंड भरी होती है। आगे पढ़ने पर हम पाते हैं कि एक बड़ा सा ग्राउंड है और जो कि यू शेप में बिल्डिंग बनी हुई है वो देखने हमें मिलती है। बहुत ही सुंदर व्यू है। ऊपर देखिए मनकामेश्वर मंदिर का टॉप दिख रहा है, भगवान शिव शंकर की छत्र छाया है इस स्कूल में। देखिए कितना सुंदर परिसर है, नीट एंड क्लीन। और ये है शुरू में जो अभी मैंने फोकस किया, वाइस प्रिंसिपल रूम। इसके बगल में ऑफिस है, उसके लेफ्ट में फिर से प्रिंसिपल सर का ऑफिस है, प्रिंसिपल सर का केबिन है। और यहाँ केमिस्ट्री लैब है ग्राउंड फ्लोर में, स्टेज के जस्ट पीछे। और ये हमारी फिजिक्स लैब है। और इधर गेम्स रूम, एमआई रूम, और ऊपर कंप्यूटर लैब है। जस्ट इसके ऊपर जो अभी आप देख पा रहे हैं वो कंप्यूटर लैब है, जूनियर एंड सीनियर। और उसके ऊपर मैथ्स रूम, स्टाफ रूम, और 9th और 8th की क्लासेस चलती हैं। और नीचे 11th, 10th और 12th चलती हैं, ठीक है। तो ये है हमारा सुंदर सा परिसर। और यहाँ हम जाएं, जो कि हमने प्राइमरी सेक्शन में से भी देखी थी, एक बिल्डिंग जहाँ पर कि 7th और 6th की क्लासेस चलती हैं, ये रही वो। और इधर बहुत शांति रहती है। इधर से हम सामने देखें तो प्राइमरी सेक्शन दिखाई देता है, मैथ्स गार्डन दिखाई देता है, और वो प्राइमरी की बिल्डिंग 1st और 2nd की, और ग्राउंड, और ऊपर कैंटीन, और उधर फिर मेन गेट। तो ये था हमारा सेकेंडरी सेक्शन। अभी भी कुछ कुछ पार्ट्स स्कूल के रह गए हैं। पीछे म्यूज़िक रूम है, SUPW है, उसकी विजिट मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में ज़रूर कराऊंगी। तो तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।